गठबंधन का फायदा अगर देश को हो रहा हो तो चर्चा का विषय बनता है, पर आपने अभी तक इनकी गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई आपने इसमें देखा होगा कि गठबंधन का फायदा इनको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा पाए अभी तक कि देश को फायदा होगा। राजनीति का मेन एजेंडा भी यही होना चाहिए कि आप करो अपनी शर्तों पर, अपने को बेच के नहीं होनी चाहिए कि आपने जो बोला जनता से, जो कमिटमेंट किए, अब वो सब भूल जाओ और उसके बाद आप बात करने लगो। चाणक्य ने कहा था कि विपक्ष अगर एक हो जाए तो समझ जाए ना राजा आपका ईमानदार है। तो इसका मतलब तुम सब विपक्ष में जो एक हुए हो तो किसी ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ एक हुए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। आज मुद्दा देश का के खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं INDIA गठबंधन को लेकर, क्योंकि इसी हफ्ते INDIA गठबंधन की चौथी बैठक हुई है। उम्मीदें तो बहुत सारी थी कि शायद प्रधानमंत्री पद का चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा, संयोजक सामने आ जाएगा, शीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो गठबंधन बना है क्या वो देश को लाभ पहुंचाने के लिए बना है या फिर इन्हीं दलों में दूसरे दलों को लाभ पहुंचाने के लिए। हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं पर है, 80 लोकसभा सीटें। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि 80 सीटों पर गठबंधन लड़ेगा और 80 की 80 सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी एक गठबंधन बना था और वो गठबंधन था बुआ और भतीजे का, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाया। जी, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश से हम अगर शुरुआत करते हैं तो गठबंधन, मैंने कहा कि गठबंधन का फायदा किसको, गठबंधन का फायदा अगर देश को हो रहा हो तो एक चर्चा का विषय बनता है, पर आपने अभी तक इनकी गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई आपने इसमें देखा होगा कि गठबंधन का फायदा इनको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा पाए अभी तक कि देश को फायदा होगा या इनकी नीतियां क्या हैं। इनके रटे रटाए चार शब्द हैं, बेरोजगारी, रोजगार, सुरक्षा, बस ये चार पांच शब्द हैं। ये समस्या है, पर आपका प्लान क्या है, वो प्लान अभी तक ये जनता के सामने ना ला पाए। इन लोगों की अभी तक जितनी भी बैठक हुई है उन बैठक में इन्होंने सिर्फ अपने को लेके ही बात करी है। अब हम इतिहास में जाना चाहिए हमें कि किसी पार्टी का इतिहास क्या रहा है, किसी का बेसिक नेचर, किसी भी इंसान का एक बेसिक नेचर हो, इसी प्रकार से पार्टियों का भी एक बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ पर बेसिक नेचर की अगर बात करें तो बुआ और बबुआ का बेसिक नेचर जिस प्रकार से देखा जाता है, इन्होंने 2019 में गठबंधन किया, गठबंधन इलेक्शन डिक्लेयर होने के 10 दिन तक चला, 10 दिन के अंदर खत्म हो गए, दोनों की बयानबाजी सामने आ गई, जिसमें मायावती ने साफ साफ आरोप लगाया कि मुलायम सिंह के परिवार के कुछ विवादों के कारण वोट कन्वर्ट नहीं हो पाए और इसके वजह से ये गठबंधन टूट रहा है, और कई ऐसे रीजन थे उनके कि हमारे यहाँ सीट शेयरिंग सही से नहीं हो पाई, वट एवर रीजन इनके थे, पर एक वादा बेनिफिट लेके वो निकल गई। गया था कि 2022 के जब यहाँ पर चुनाव होंगे विधानसभा तब तक ये गठबंधन रहेगा। तो आप सोचिए कि जो ये जो पार्टियां दावे और वादे करती हैं वो कितने फिसड्डी साबित हो जाते हैं। इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि 2019 के लोकसभा में आप गठबंधन कर रहे हैं, 2022 का वादा कर रहे हैं, लेकिन आप 10 दिन बाद जैसे अनाउंस होता है कि आप इतनी सीटें मिली, लेकिन हाँ ये हमें समझना होगा कि मायावती को फायदा हुआ था, अखिलेश को फायदा नहीं हुआ था। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मायावती को फायदा हुआ था, मायावती ने खूब सीटें बटोरी और बटोर के वो निकल गई, जहाँ वो जीरो पे थी वो 10 पे पहुंच गई थी, और उन्होंने देखा कि अब मेरी पकड़ थोड़ा ठीक ठाक है, उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया, उन्होंने आरोप लगाते हुए अपने भतीजे से अलग हो गए थे। तो ये तो हो गए चरित्र, कि बुआ का चरित्र भी इस प्रकार से है कि हमेशा से फायदा उठाने के लिए, पहले भी बुआ के साथ हो चुका है जिस प्रकार से 2.5-2.5 साल की इनकी गठबंधन हुआ था, 2.5 साल मायावती मुख्यमंत्री रहनी थी और 2.5 साल मुलायम सिंह के परिवार से या मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री होना था। जैसे ही मायावती ने अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया तुरंत उन्होंने अपना समर्थन वापस लेके गठबंधन तोड़ दिया था। अब आप सोचिए कि गठबंधन के फायदे किसको, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे, कारण पहले हम इन जितने भी गठबंधन में दल हैं इनका चेहरा बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है और देश को समझने की ज़रूरत है। देश को जब तक ये नहीं समझेंगे कि गठबंधन से फ़ायदा किसका हो रहा है, अगर मज़े लेने हैं तो आप इनको देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है,
पर आप मज़े लेने के अलावा आपको ये आपके मज़े ना ले जाए, इसको समझने की आवश्यकता है कि क्या ये देश के अंदर कुछ स्थिर सरकार देने की बात हो रही है। आपको इनके इनके व्यवहार से, इनके चरित्र से कहीं दिखता है कि इन्होंने कभी स्थिर सरकार दे पाएंगे? ये सब समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इस मायावती और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ था 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर, अगर वाकई ये देश के लिए सोचते तो ये 2022 तक भी गठबंधन में रहते, यानी कि हार का ठीक रहे एक दूसरे पर नजर आते। अब आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस और अखिलेश यानी कि राहुल और अखिलेश के गठबंधन की बात कर लेते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, योगी जी आए और ये गठबंधन दोनों का था, लेकिन जीत नहीं पाए, 75 सीटें भी मुश्किल से यहाँ मिली। तो यहाँ पर हार के कारण बहुत सारे थे। अखिलेश यादव ने जो दावे और वादे किए थे उस पर युवा भरोसा नहीं कर पाए। राहुल गांधी जैसे नॉन सीरियस हरकत अभी उन्होंने कुछ दिन पहले की है, वो नॉन सीरियस हमेशा से ही देखे गए। देखिए, बिल्कुल विश्व शर्मा ने जैसे कहा है कि वो 56 साल के हो गए हैं और अभी भी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, और उनकी माता जी के अंदर बड़े पेशेंस हैं कि वो अभी भी उनसे, राहुल गांधी से अभी मैच्योरिटी की उम्मीद करती है। तो ये बड़ा प्रश्न है वैसे तो। और दूसरी चीज़, जब 2017 का इलेक्शन हुआ था, 2017 में जब बात हुई थी तो उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दो लड़के साइकिल में बैठ के आए और सोचा कि हम देश बदल देंगे, और दोनों लड़कों की साइकिल होगी पंचर। और वाकई में हुआ भी यही, दोनों लड़कों की साइकिल में इसलिए पंचर हुआ क्योंकि दोनों का मकसद सिर्फ चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठना था, या अपनी, मैं राहुल गांधी की तरफ से कहूँ तो कहीं ना कहीं उनको था कि प्रियंका को मैं गद्दी में बैठाऊंगा, और अखिलेश का खुद का मकसद था अगर सीट जिसकी ज़्यादा आती, पर ऐसा हुआ नहीं। इनका चरित्र जो है दोनों का, इनका जो सत्ता पे काबिज होने का और इसके अलावा इनका कोई और दूसरा मकसद है नहीं। अब अखिलेश की जब बात हो रही है तो हम उत्तर प्रदेश के अखिलेश का व्यवहार और कांग्रेस के साथ जब बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने साफ साफ नजर आया होगा, कमलनाथ ने जहाँ कहा कि अखिलेश अखिलेश कौन है, ठीक है, और वहाँ पर राहुल गांधी ने कहीं बीच बचाव नहीं किया या कहीं पे भी इस तरह के उनकी बेइज्जती होने दी और प्रॉपर ढंग से होने दी, और उनको कोई सीट भी नहीं दिया जहाँ पर वो इलेक्शन हारे। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में आके वो अपने बेइज्जती का बदला नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, वो अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, पर बेइज्जती के बदले के साथ साथ देश को एक बोलते ना हासिया पे खड़कना, हासिये पे रखने वाली बात ये है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाली, कि आप आइएगा उत्तर प्रदेश में, हाँ, हम देख लेंगे, देख लेंगे। प्रदेश में आपने तो हमें आने नहीं दिया। तो ये फैक्टर 2017 में जब गठबंधन किसे कराई थी, सबसे बड़ा फैक्टर अखिलेश यादव की हार का माना जाता है कि उस टाइम जो दंगे हुए थे वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को रोड़ी पे, और जो मोदी लहर थी वो कहीं ना कहीं उस वक्त देश में चरम पर थी, और बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में कामयाब रही। अभी भी मोदी लहर है, पिछले अगर 5 राज्यों की हम बात करें, 3 में बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है, कांग्रेस को खदेड़ दिया है। तो कांग्रेस के साथ जाना उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही किसी भी पार्टी को भारी नुकसान दे रहा है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि दंगों की जब आपने बात करी, दंगों से ये हमेशा से आरोप बीजेपी पे लगाते रहे कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, राम मंदिर पे बात करते हैं, धारा 370 पे बात करते हैं, इन सब बीजेपी ने सारी चीज़ें इनकी कंप्लीट कर दी, खंडन कर दिया, एक तरह से समझ लीजिए सारी चीज़ जो बोला था वो पूरा कर दिया। अब रही दंगों की बात, दंगों से समाजवादी पार्टी का आज का नाता नहीं है, वो पहले का नाता है। इनकी पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन हम लोगों ने जब 2022 में जब हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे थे तो हमें वो दिखाई दिया था कि समाजवादी पार्टी के अंदर वो डिसिप्लिन की कमी दिखाई दी गई, वो एरोगेंस दिखाई थी जहां इनको उम्मीद। मायावती ने भी लगाया था, बिल्कुल, बीजेपी मायावती ने कहा था कि बसपा के कार्यकर्ताओं से सपा के कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम लोग जब गए थे तो हमने भी ये बात नोट की थी। और इनके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह बोल लें, घमंड बोल लें, कि इतना था कि हम तो पक्का आने वाले हैं और हमारा कोई अब है नहीं तोड़। तो मैंने वो ग्राउंड जीरो पे जाके वो सब देखा था जहाँ ये पुलिस वालों से इनके कार्यकर्ता बदतमीजी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। पर इसको चलिए दंगों पे बात करते हैं, दंगों पे बात करते हैं तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, अखिलेश थे उस टाइम। अब आप उत्तराखंड की, जब उत्तराखंड बना था उस टाइम पे भी मुजफ्फरनगर था, तो आपका दंगों से नाता, जहाँ पर खुलेआम मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलवाई थी, तो दंगों का नाता तो इनका है, इनके आपराधिक छवि के मानसिकता वाले लोग इनके अंदर आज भी हैं। और ये वाकई में देश को सोचना पड़ेगा, प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि
कि क्या ऐसे आपराधिक छवि लोगों को हमें फिर बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल से देश के अंदर प्रदेश के अंदर कंट्रोल हुआ है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर आप कैमरे के आगे अगर समझ, कई बार हम लोग बोलना पूछने की कोशिश करते हैं तो कैमरे के आगे लोग नहीं बोलते, पर जैसे कैमरे से, क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरा कहीं वीडियो वायरल ना हो जाए या मेरी बाइट वायरल ना हो जाए और मुझे लोकल लोग पीट ना दें। ये बहुत तरीके के डर हमने देखे हैं, पर वाकई में ये डर जो है ये गलत है। बोलते हैं डर सही के लिए होता है, यह गलत के लिए डर। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जिस गठबंधन की आज बात हो रही है, इतने बड़े 28 दल है इस गठबंधन में, तो गठबंधन जब हुए उसका जिक्र हम कर रहे हैं, हकीकत क्या है वो कहीं ना कहीं दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी, इनका जिक्र भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर भी फिलहाल खून हल्ला हमने देखा कितना ज्यादा हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, ये नाम जाता है महबूबा मुफ्ती। और साथ ही साथ 2000 बीजेपी के साथ 2016 से 18 तक महबूबा मुफ्ती कश्मीर की मुख्यमंत्री रही, लेकिन जैसे 2018 आया उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। और इससे पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से मतभेद हुआ तो यहाँ पर पीडीपी उन्होंने अलग बनाई और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती चली गई। तो ये हकीकत है उन चेहरों की कि पीडीपी हो या फिर यहाँ उसके साथ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अपने अपने मतलब के लिए, मुख्यमंत्री रहने के लिए या कोई बड़ा पद चाहने के लिए हमेशा से ये गठजोड़ की रणनीति या राजनीति करते आए हैं। बिल्कुल, मैं जैसे महबूबा मुफ्ती की आपने बात करी, महबूबा मुफ्ती वाकई में ही पहले बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर कांग्रेस मुक्त बीजेपी में, इनके जुबान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये लोग इतनी ज़्यादा, इन लोगों की कमजोर है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आज अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो कल उसके साथ खाना कैसे खा सकते हैं। ये बकायदा चाय कॉफ़ी खाना सब भी साथ में खाते हैं। ये देश को भूल के जब आगे बात करते हैं तो ऐसे देश के नेता, बिल्कुल आपको सोचना होगा, जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या इनके हाथ में कमान देना सही है, कि ऐसा ना हो कि आज ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें वोट दीजिए और ये करिए, और कल आप इनके आगे हाथ जोड़ेंगे तो ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा काम करवा दीजिए, नौकरी है हमारे पे, बेरोजगारी है, महंगाई है, और आप इस चीज के लिए दर दर भटकते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका चरित्र सबका ऐसा है कि ये सीट के लिए इन्होंने कुछ भी किया है, मुख्यमंत्री बनने के लिए, बने रहने के लिए सत्ता में ज्यादा, अगर इनके समर्थन वाली पार्टी ने इनकी टांग खींची तो ये तुरंत अपनी आंखें घुर्रा जाते हैं उन पे, दिखा देते हैं कि भैया नहीं, हमें तो सीट का लालच है, तुम हमें रूल मत करो, ये इस तरह का इनका व्यवहार रहा है। तो महबूबा मुफ्ती का भी आपने देखा कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी अपनी पार्टी, और आज फिर कांग्रेस, इस तरह का चरित्र है। तो इसमें आपको कहीं देश नजर आ रहा हो तो महबूबा मुफ्ती के करेक्टर पर भी एक बार झांक लीजिएगा, जहां उन्होंने ये दिखाया है कि उनके लिए देश दूसरे नंबर पे आता है, पहले वो खुद के लिए है, खुद की पार्टी और खुद का पद आता है। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं सुशासन बाबू की, नीतीश कुमार, जहां से इस गठबंधन की नींव रखी गई थी, क्योंकि यही सूत्रधार है, एक इन्होंने माला ली हुई है, मोती पिरोते जा रहे हैं, पिरोते जा रहे हैं, लेकिन चौथी बैठक में देखा कि इनका तो नामो निशान कहीं नजर नहीं आया। तो सुशासन बाबू 17 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं, कभी वो महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं देते किसी को, ये इनका पहला रूल है कि कुर्सी हम नहीं देंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। अब देखिए, आपने जैसे बात करी कि नीतीश कुमार का हमेशा से किस क्या लालच रहा है, देश दुनिया सब जानते हैं, उनकी लालच हमेशा गद्दी रही है। अब गद्दी वो छोड़ना नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि गद्दी मुझे बुलाती है, गद्दी मुझे सब कुछ, उनका गद्दी, उन्होंने कितनी भरी विधानसभा में किस तरह से नीतीश कुमार ने लालू के बेटे पर आरोप लगाए थे, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करा, किस तरह से आप समझ सकते हैं कि लालू की पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि नीतीश कुमार जो हैं वो दिमाग से कुछ और जुबान से कुछ और हैं, कई प्रकार के आरोप लगे। पर आप देखिए, कभी वो अपनी पार्टी में रहते हैं, अपनी पार्टी को आगे करते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं, फिर लालू की पार्टी में चले जाते हैं, फिर वो कांग्रेस को समर्थन करने लगते हैं, फिर वो बीजेपी से बात करने लगते हैं। ये चरित्र अगर आप बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कब किसके साथ गए। तो पलटू राम वाली स्थिति उनकी हमेशा से रही है, और ये उनकी पार्टी खुद कहती है, जहां महिलाओं को लेके उन्होंने इस तरह की अपनी भावनाएं दिखाई, आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के प्रति अगर आपके मन में इस तरह का कुछ है, जो बोलते हैं कि मुंह में सरस्वती बैठी थी और आपके मुंह से सच निकल गया, कि जो आपके मन में था वो आपके बाहर निकल गया, तो आप सोचिए कि देश की आधे से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है,
महिलाएं अगर ऐसे प्रधानमंत्री चुन रही है तो उनका भविष्य क्या होगा। और इस गठबंधन में नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जिनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी छपवा दिए थे कि पीएम पद के दावेदार होंगे। अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन पोस्टर छप गए थे। खूब पूजा अर्चना हो रही है, यज्ञ हवन हो रहा है, चादर पोशी हो रही है दरगाहों में जाकर। तो आप समझिए कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको जो वक्त के अनुसार खुद को बदल ले, जो मौके के अनुसार खुद को बदल ले। देखिए वक्त के अनुसार बदला जाता है लेकिन मौके के अनुसार नहीं बदला जाता है। तो ये तस्वीर क्लियर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हमारी बात ना अच्छी लगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, क्योंकि कुछ पत्रकारों को वो सुनते हैं, तो क्योंकि पत्रकार एक पहलू दिखाते हैं, दूसरा पहलू नहीं दिखाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी बात से कुछ लोग एग्री ना करें। तो आगे बढ़ते हुए इस लिस्ट में अगला नाम आता है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे, हिंदुत्व का नारा देने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे आज नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, हम समाजवादी हैं, हम कांग्रेसी हैं। तो ये तो अपने जो पिता के सिद्धांतों को नहीं बचा सके। तो देखिए बाला साहब का बहुत क्लियर था, उनका देश प्रेम भी दिखता था, महाराष्ट्र प्रेम भी दिखता था। और उन्होंने हमेशा से कहा मैं चीफ मिनिस्टर की लालसा में बिल्कुल नहीं हूँ, ना मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। वो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहते थे। वो बोलते मैं किंग बनाता हूँ, बनता नहीं हूँ। और उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र को ऊपर रखा और हिंदू का उनका जो नारा था वो हिंदुत्व नारा उनका हमेशा से रहा। उनके बेटे ने क्या किया, उद्धव ने सीधा सा उन सारे जितने सिद्धांत थे सबकी तिलांजलि दे दी उनको। आगे कहाँ कांग्रेस के साथ, उनका जीवन में बाला साहब ने कहा था मैं जीवन में कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो उनके जीवन तो जीवन जाते ही उनके बेटे ने तो सीधा कांग्रेस का दामन सांप लिया कि कहीं ना कहीं उनको सीधा सा देखना था कि मुझे मुख्यमंत्री कैसे बनना है, जबकि आपने गठबंधन में रहकर बीजेपी के साथ इलेक्शन जीता था। आपके मुख्यमंत्री बाद में बने, आपको मुख्यमंत्री बनने की जबकि आपकी कमिटमेंट नहीं थी। आपने मुख्यमंत्री सीटें जैसी कुछ ज्यादा आई और आपको कॉम्बिनेशन लगा कि मैं कांग्रेस के साथ जाके मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ, आपने करा तुरंत। आपको मुख्यमंत्री बनने की लालसा जो थी वो आई। पार्टी का टूटने का कारण यही था कि आपके कमिटमेंट कुछ और थे, आज जीतने के बाद कुछ और हो रहे हैं। तो ये कमिटमेंट पे टूटा है। तो आपने देश कहाँ रखा उस टाइम पे, महाराष्ट्र की जनता का जो विश्वास था आपके वो कहाँ गया। आपके कहीं ना कहीं पार्टी टूटने का कारण भी यही था। तो यही कारण आज आप कांग्रेस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो। जो विचार आपने कभी मन में थे, आपकी कांग्रेस भ्रष्टाचारी है और जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया, वो सारे विचार महाराष्ट्र के अंदर आज आपके दिखाई दे रहे हैं। पार्टी टूटी है, पार्टी टूटने के बाद आपकी स्थिति बहुत ही डामाडोल है। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, आपकी दयनीय स्थिति में आप पहुंच गए हो। पर लालसा जो है, अगर आप देश भावना के साथ रहते तो देश के साथ आपको तरीके से जाना चाहिए था। आप सिंगल हैंडली लड़ते, आपको इस तरह के गठबंधन जो आपके विचार नहीं थे उस पर नहीं जाना चाहिए था। पर फिर भी सत्ता का लालच कर लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ये वो शख्सियत है, वो लेडी है, हालांकि बहुत स्ट्रांग है, ये किससे छिपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में इनका वर्चस्व है ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर ये तृणमूल कांग्रेस बनाती है, चुनाव लड़ती है, उसके बाद एनडीए से भी मिलती है। उस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी तब ये मिलती है, वहाँ पर जीतती भी है बीजेपी के साथ, लेकिन फिर बीजेपी से अलग हो जाती है, फिर वापस कांग्रेस के साथ जाती है, फिर पूरी तरह से अलग हो जाती है, अलग होकर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री बनती है और अब वापस कांग्रेस के साथ है। और तो और ये वो लेडी हैं जिन्होंने सबसे पहले नाम रखा है कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। देखिए ममता दीदी की अगर बात करें, हम ममता दीदी का जो जिस तरह से रहा है पार्टी में, ठीक है उनका एक कद है, उनका एक साधारण सी महिला चप्पल में चलने वाली और व्हीलचेयर पर बैठ के विधानसभा जीत जाती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और किसी के साथ मिलकर नहीं, खुद भी, और टक्कर लेना जानती है। प्रधानमंत्री को टक्कर दी, उन्होंने दिखाया कि मैं जीत सकती हूँ। वो उनका हटीपन जो है वो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर वो हटीपन आज भी मैं बोलूं कि उनके उनके बंगाल के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, उनके लोग उनको प्यार भी बहुत करते हैं, जिस तरह से वो सादगी से रहती है, पहनावा उनका सादगी वाला है बिल्कुल। पर उन्होंने कॉम्बिनेशन जब यहाँ देखा, उन्होंने कि खड़गे साहब को उन्होंने कहा, उनको पता था कि नीतीश आगे बढ़ेंगे या नीतीश चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। एक तीर से कई निशाने कर गई है और एक तरह से उन्होंने देखा दिया है कि गठबंधन चलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने खड़गे साहब का नाम ले लिया। खड़गे साहब भी समझ गए, उन्होंने कहा कि भैया प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले जीत के आओ,
बाद में देखेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और ये सारे कॉम्बिनेशन देखते हुए मतलब ममता दीदी ने अपना खेल जो बिल्कुल खेला है वो बिल्कुल सही खेला है। अगर मैं बोलूं कि वो सही राजनीति उन्होंने की है, वो अभी किसी के साथ नहीं गई है, ठीक है, मैं उसके ऊपर शर्तों पे अपने रहूंगी। मैं उनको नंबर थोड़ा सा ऊपर दूंगा इसमें, उनके नंबर थोड़ा सा ऊपर होते हैं क्योंकि वो प्योर राजनीति करती हैं। राजनीति का मेन एजेंडा भी यही होना चाहिए कि आप करो अपनी शर्तों पर, अपने को बेच के नहीं होनी चाहिए कि आपने जो बोला जनता से, जो कमिटमेंट किए, अब वो सब भूल जाओ और उसके बाद आप बात करने लगो। और अपने कुछ एजेंट्स जितने आपके हैं जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, वो उन एजेंट्स को भी समझाना चाहिए कि भैया तुम एक तरफा बात मत करो, दोनों तरफा बात करो तो समझ में आएगा। बट क्या करें, उनका भी चक्कर व्यूज़ का है, पैसे का है, उनकी सैलरी तो है नहीं कहीं से, तो उस चक्कर में वो लोग अपना ये सब करते रहते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे मीटिंग में इनकी टेबल अलग से लगती है, जब ये कुछ डिस्कशंस होते हैं तो दीपक शर्मा तो बिल्कुल ऐसे बताते हैं जैसे कि ममता उनसे बात कर रही हो, राहुल गांधी उनसे बात कर रहा हो, या बीजेपी के कुछ लोग उनके संपर्क में हो कि भाई बताओ दीपक शर्मा जी क्या करना है, कैसे होगा, अजीत अंजुम जी आप बताओ, रवीश कुमार जी आप बताओ, इनसे सलाह लेते हो, फिर ये बताते हो, ये जनता का नब्ज जानते हो। ये आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर बन के बात करते हैं कि मैंने नब्ज देखी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब जो भरमाने वाला काम है, इससे आपको दो तीन स्टेट आपने देखे हैं अभी, तीनों स्टेट हाथ से गए सिर्फ इनके जो भरमाने के तरीके से ही गए हैं। व्यूज़ का मतलब वोट नहीं होता, ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, गठबंधन को भी समझना चाहिए। व्यूज़ का मतलब वोट नहीं होता, व्यूज़ मजे लेने के लिए भी देखे जाते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी विचारधारा एक तरफ है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि दोनों तरफ की बात करना, कि दोनों तरफ की अगर बात होती तो शायद ये बैलेंस होते और लोगों के हित की बात करते, देश के हित की बात करते, कैसे स्थिर सरकार बनेगी। हम ये नहीं कहते बीजेपी की द्वारा कोई एरोगेंस नहीं दिखाई दे रही है, एरोगेंस दिखाई दे रही है, पर आपके सामने दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो पार्टी है गठबंधन की, चाणक्य ने कहा था कि विपक्ष अगर एक हो जाए तो समझ जाए ना राजा आपका ईमानदार है। तो इसका मतलब तुम सब विपक्ष में जो एक हुए हो तो किसी ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ एक हुए हो, तो यही राजनीति है। राजनीति यही है कि अगर विपक्ष में रह के आप एकजुटता हो रहे हो और आपके अंदर अभी तक आपका लीडर तय नहीं है, आपका एजेंडा तय नहीं है, और आगे होने वाला क्या, अब वो पिक्चर सामने दो, मुझे लगता नहीं कि आपका ये चलेगा। जैसे कि हम पहले भी इस प्रोग्राम में पहले भी बोल चुके हैं, दिसंबर और 22 जनवरी तहस नहस, सब तहस नहस होगा। ये हम इस टॉपिक को फिर उसके बाद मैं चिंता में बताऊं किस काजोल किस चीज़ की हूँ कि दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, इनका क्या होगा, इनकी दुकानदारी चलेगी कैसे, ये करेंगे क्या इसके बाद अगर ये इलेक्शन में कुछ होता तो देश में पत्रकारिता को काफी समय दिया है, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ, रास्ता वही है कि भटकाने वाला रास्ता इनका होगा क्या, भटकाने वाला रास्ता ढूंढ लेंगे या राम के चरणों में चले जाएंगे। हाँ, बस ऐसे कुछ मुझे दिखाई देता है। तो अब जिस प्रकार से हमने सभी जगह की बात करी, इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को आप भूल गए। अरविंद केजरीवाल पे जाओ, उसके पहले एक नजर शरद पवार पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा राजनीति में उन्होंने समय दिया है, और लेकिन उनकी छवि हमें कभी ऐसी खराब नहीं सुनी है शरद पवार की, हमेशा से अच्छी छवि के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं। तो कांग्रेस में दो फाड़ इन्होंने ही कराई थी आपातकाल के दौरान, लेकिन फिर कांग्रेस में वापसी कर लेते हैं कुछ सालों बाद, और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महा विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करके हमेशा से इन्होंने कभी चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश नहीं की, महागाड़ी के साथ हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि कैसे ये किंग मेकर की भूमिका में रहे। देखिए, ये भी कहा जाता है इनको लेकर कि प्रधानमंत्री पद के करीब जाते जाते दो बार गए हैं लेकिन रह गए हैं। तो शरद पवार की स्थिति तो थोड़ी सही नजर आती है, लेकिन शरद पवार को बहुत साल हो चुके हैं, आज का युवा कुछ और चाहता है। बिल्कुल, शरद पवार की स्थिति अब ऐसी है कि जैसे आप समझते हो कि आपके महाभारत में आपने देखा होगा कि महाभारत में सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह की स्थिति थी, वही स्थिति आज इनकी है कि क्या करे। इधर से भतीजा छोड़ के चला गया, वो पार्टी तोड़ रहा है, इधर से कांग्रेस भी आदत अनुसार उनको पहले से तोड़ जोड़ की राजनीति उनको हमेशा से करनी आती है, इधर से उन्होंने उद्धव को तोड़ के बैठा रखा है कि चलो भैया मैं शायद तिनका का सहारा तुम्हें लगा दूं, कहीं कुछ हो जाए, कुछ पार्टी वार्टी वापस मिल जाए या तुम बड़ा कर लो इस तरह की। अरुण, राहुल, ये सब बच्चे हैं उनके आगे, सही बोलूँ तो ये बच्चे हैं, इनको खिलाना उनको बहुत अच्छे से आता है।
तो वो तोड़जोड़ की राजनीति जो पुराने ढंग से करते आए वो वही तोड़जोड़ की राजनीति आज भी कर रहे हैं। तो शरद पवार के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है, अन्य शरद पवार का कोई स्पेशल कोई एजेंडा है कि जिसके तहत उन्होंने कभी बोला हो या समझा हो किसी ने तो बता दीजिए कि महाराष्ट्र से आगे एनसीपी कहीं और नजर नहीं आती। और अब हम आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि ममता के बाद अगर जो है वो अरविंद केजरीवाल है, कांग्रेस मुक्त कर देंगे दिल्ली को और कर दिया, पंजाब को कांग्रेस मुक्त कर दिया, लेकिन ममता दीदी का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ खड़गे को होना चाहिए पीएम पद का दावेदार। तो ये देखिए सबसे बड़ी अब लोगों को यही सोचने की जरूरत है कि ये आदमी का चरित्र है क्या, ये कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, कभी ये तिजोरियां लेके स्टेज पर चढ़ जाता है और उसमें अंदर से एक फाइल निकालता है, वो फाइल आज तक नहीं खोली, उन फाइलों में बोलता कि बीजेपी का काला चिट्ठा मेरे पास है। वो काला चिट्ठा भाई तुम घर में क्यों पढ़ रहे हो, अगर है तो निकालो, बात करो, जनता को दिखाओ। पर आप बोलते हैं वो फर्जी किताबें, फर्जी मतलब बोलते हैं ना रद्दी की किताबें ला के ये जनता को भरवाने वाला काम, कांग्रेस मुक्त करना है दिल्ली को, कांग्रेस मुक्त करना है पंजाब को, नशा मुक्त करना है पंजाब को, बिजली फ्री करनी है दिल्ली में, पानी अच्छा देना है घर घर तक। क्या हुआ, आप तो दिल्ली से हैं, क्या आपके घर तक दिल्ली में आज तक स्वच्छ पानी आ पाया, नहीं आ पाया। आपको बिजली जो 300 यूनिट फ्री देने की बात करी थी, बिलों की आप देख रहे हो कि बिल कितने बढ़ के आ रहे हैं, वो 300 यूनिट कहाँ जा रही है किसी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने पॉली क्लिनिक देने की बात करी, पॉली क्लिनिक में डॉक्टर नहीं, जानवर सोते हैं उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब मैं बोलता कि अगर आपने 100 पॉली क्लिनिक खोले उसमें से 10 एक्टिव है, 90 आपके बेकार हो चुके हैं। ये स्थिति आपकी दिल्ली की है, और आपने जहां आपने कांग्रेस मुक्त करना है वहां आपने खड़गे साहब को बोल दिया कि कांग्रेस के खड़गे साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो आपका चरित्र है किस तरफ, आपकी आइडियोलॉजी है कि नहीं है, ये आइडियोलॉजी आपको अकेले शख्स ऐसे हैं जिनकी आइडियोलॉजी शायद किसी को समझ में नहीं आती, मेरे ख्याल से बीजेपी भी नहीं समझ पाती होगी, क्योंकि शाह को चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह भी नहीं समझ पाते होंगे भाई आदमी है क्या। नहीं, मैं आपको काजुल बताऊं, चाणक्य कहा जाता है उनको अमित शाह को, और चाणक्य के चेले भूल गए, ये चाणक्य के चेले हैं, ये जूठा उठा खा खो के इन्होंने वही स्थिति है इनकी। इनकी पार्टी खुद इनके जो पुराने कुमार विश्वास और इतने छोड़ के चले, उनका आरोप सीधा सीधा सा था कि ये हमने जिस सिद्धांतों पे पार्टी खोली थी आज वो पार्टी के सिद्धांत नहीं है, आज हम वो सारे सिद्धांतों को बेचकर हम आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें पद का लालसा है और अपने आप को वीआईपी दिखाने की लालसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन सब ने छोड़ दिया, खुले मन से वो बोल रहे हैं कि जेल में है, आधे से ज्यादा नेता ऐसे जिन पर ईडी की लगातार समन, इनको खुद को जा रहे हैं बिल्कुल। कल संजय कुमार जी की बेल कैंसिल हुई है, तो आप न्यायालय आप देख रहे हैं कि बेल कैंसिल हुई, उन्होंने साफ साफ से आरोप लगाया कि इनका इनकी भागीता थी और है, और ये पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपनी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इनको बेल ना दी जाए। कोर्ट ने सुना ईडी को, इनको बेल नहीं मिली। मैं बोलता हूं आपकी आप बिल्कुल बेदाग होकर निकले, पर बेदाग होने से पहले आप पे दाग लगे क्यों, बोलने दाग अच्छे होते हैं, ये ऐसा हमने सुना है कि दाग अच्छे होते हैं, पर दाग किसी और चीज़ के अच्छे होते हैं, भ्रष्टाचार के दाग अच्छे नहीं होते। आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी है और भ्रष्टाचार ही कर रही है, तो ये चरित्र नहीं चलेगा। आप एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करी थी आपने, दूसरी तरफ आपने ये बात कर दी कि जहां पर आप बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार की बात करनी, भ्रष्टाचार के साथ साथ करते करते क्या करा आपने, क्या ने एक भ्रष्टाचारी और खड़ा कर दिया, आपने एक भ्रष्टाचारी और खड़ा कर दिया, और आप भ्रष्टाचार कोई और चेहरा नहीं, आपकी पार्टी के ही चेहरे भ्रष्टाचार में खड़े हुए। और देश को बनाने की बात करो, आप कहीं ना कहीं सपना देखने लगे हो कि आप प्रधानमंत्री बनोगे, देश में आपके प्रति विश्वास है कि नहीं है लोगों का, आप ये तो देख लीजिए। आपकी मध्य प्रदेश में क्या हालत हुई, राजस्थान में क्या हालत हुई, आपकी गुजरात में क्या हालत हुई आपकी, क्या आप नौटंकी कर रहे थे वहां पर, आप देखिए ना। आपने दिल्ली को भरमा दिया, पंजाब को बहला दिया, पर आप क्या देश को भरमा पाओगे, देश को बदल पाओगे, आपकी झूठी राजनीति कहीं आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर झूठ फैलाया, कहीं आपका स्तर कहीं था ही नहीं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, IRS रहे हो आप इस तरह की बातें आपने की है कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सारी कंपनियों को दे देना चाहिए, जल्दी वैक्सीन बनेगी। मतलब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर इस तरह की बात करते, फॉर्मूला है चूरन है कि सभी कंपनियों को दे दे फटाफट कोरोना वैक्सीन, रेवड़ियां तो बांट ही रहे ना, तो मुफ्त की रेवड़ियां, अब मुफ्त की रेवड़ियों में तो सभी पार्टियां घुस गई हैं काजोल, अब मुफ्त की रेवड़ियां सब बांटने लगे हैं। कल तक ये रेवड़ियां इनके लिए साबित होता, मैं इसमें बीजेपी को भी बोलूंगा, कांग्रेस को भी बोलूंगा, सबको, ये कहीं ना कहीं रेवड़ियां इन्होंने बांटनी शुरू करी, सबने ठेली लगा दी रेवड़ियों की।
ये सब के सब तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का चेहरा जी, कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या है, अरविंद केजरीवाल क्या है। अब आखिर में बात कर लेते हैं चारा घोटाला में इतने सालों जेल काटने वाले लालू यादव की। हालांकि लालू यादव तो सक्रिय उतने ज्यादा नहीं, लेकिन मीटिंग में तो दिख जाते हैं। तो बात तेजस्वी यादव की कर लेते हैं, उनके बेटे की, उनके पुत्र की। तो बेटे कहते हैं कि चाचा जी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चाचा जी जब जब मुख्यमंत्री रहे हैं उनके दौर में हमेशा से ही अपराध बढ़ता रहा है। चाचा जी तो बहुत गलत करते हैं, चाचा जी को तो नौकरियां देना नहीं आता है, चाचा जी तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज चाचा जी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं लालू की बात करूं, चारा घोटाला मतलब पशुओं का चारा तक आप खा गए। क्यों, आपने सोचा था बेजुबान जानवर है, इनको कोई ये बोल नहीं पाएंगे, तो 900 करोड़ रुपये का आपने घोटाला कर दिया। देश में जिस प्रकार से आपका व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से नौटंकी वाली आपके संसद भवन में आप बयानबाजी करते हो, और जो बिहार की हालत थी आप इसे किसी से छुपा नहीं है, गड्ढों में बिहार ढूंढना पड़ता था, आप देश के अंदर वही स्थिति अगर आप लाना चाहते हो। और कौन कहता राहुल मतलब ये सक्रिय नहीं है, ये सक्रिय हैं, सारी मीटिंगों में बैठ रहे हैं, अपने बेटे को तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। बल्कि एक मीटिंग में जो अभी लेटेस्ट इनकी मीटिंग थी उसमें तो लालू सो रहे थे, इनको देश की चिंता कहाँ थी, ये बकायदा मीटिंग में सो रहे थे, सिर्फ अपनी प्रेजेंस के लिए वहाँ पर आए थे। अब बकायदा सोते हुए इन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि देश वेश गया भाड़ में, मेरा बेटा कोई बड़े पद पे जाएगा, मुख्यमंत्री, हाँ मतलब स्टेज शुरू हो रही है, अगर हमने कुछ भागीदारी कुछ बड़ी हो गई तो मेरा बेटा रक्षा मंत्री भी बन सकता है या प्रधानमंत्री बन के अगली बारी टर्म में आ जाए। तो इस तरह की इनकी भावनाएं हैं। तो मैं अगर हमारे सारे ये पूरे हो गए, अगर अब इन पार्टियों का आपस में देखें तो ये बड़े चेहरों की हमने बात की, इन बड़े चेहरों पर जब हम बात करते हैं तो ये सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो अगले 5 साल में क्या इतने प्रधानमंत्री आप देख पाएंगे? अगर नहीं, अगर हाँ तो आप देख सकते हैं, तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है वो भी आपको समझना होगा। जब इलेक्शन होते हैं तो कई 100 करोड़ रुपए उस इलेक्शन में खर्च होते हैं, वो कई 100 करोड़ रुपए इन नेताओं की जेब से नहीं आते, वो आपकी जेब पर ही बोझ पड़ता है। जो आप इलेक्शन के बाद देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, आपकी स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, कहीं ना कहीं बोझ इनडायरेक्टली आपके ऊपर आता है, जो वाया वाया आता है इनके थ्रू। तो ये जो बोझ है, ये इलेक्शन का बोझ जनता के ऊपर आता है। क्या आप देश में दोबारा चुनाव कराने की स्थिति में हैं? अगर हैं तो इनको वोट दीजिए, क्योंकि इनके इतने प्रधानमंत्री तो 5 साल में पॉसिबल नहीं है। ये सब के सब अगर 2-2, 3-3 महीने भी प्रधानमंत्री रहे तब भी पूरे नहीं पड़ेंगे। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि इनके गठबंधन इस प्रकार से रहेंगे कि 2 महीने 3 महीने एक प्रधानमंत्री रहे, फिर 3 महीने दूसरा रहे, क्योंकि गठबंधन का कुछ ना कोई तो एजेंडा होगा इंडियन, जहां इन लोगों ने बात करोगी किस तरह से हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इनको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, और दोबारा कौन किसके साथ जाएगा ये भी इनको नहीं पता। पर मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि देश की जनता को समझना होगा, मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ में जाइए। कोई पर्सनल कोई खुन्नस या कहें कि पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है कि हम इनको टारगेट कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स पर बात करना था। जिन फैक्ट्स पर हमने बात की है, गूगल बाबा से बहुत देर तक खंगाला गया है, उसके बाद हमने फैक्ट्स पर बात रखी है। बयानबाजी आप लोगों ने कितनी बार सुनी होगी, वही बयानबाजी का जिक्र हमने किया है। बस देश की बात थी, इसी वजह से हमने इन सब का जो भी इन्होंने किया वो सबका पोथी पतरा पूरा आपके सामने रखा है। अब आप खुद समझदार हैं, बहुत अच्छे से आपने 10 सालों का देश भी आप देख रहे हैं, आगे आपको क्या करना है, आप मजबूत वोटर हैं, समझदार वोटर हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक बात आप तक पहुंच जाती है। और आज हमारा मकसद सिर्फ यही था कि इनकी असलियत जो है वो आपके सामने आए, कि ये गठबंधन तैयार हो रहा है सिर्फ आपको लूटने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे, ऐसे ही किसी मुद्दे पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, और हमें दीजिए इजाजत। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।